थॉट प्रोसेस ऑफ पाकिस्तानी वर्सेस इंडियन प्रोफेशनल्स। पिछले 2 सालों में मैंने बहुत सारे लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस की हैं। आई हैव बीन एक्टिव ऑन सोशल मीडिया काफ़ी हद तक, और फिर बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस हुआ है उनके करियर एम्बिशंस के, वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और ये पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज़ में मैंने लोगों से बात की है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, US हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए, बहुत सारे। तो लोगों से बहुत सारी बातें हुई हैं, काफ़ी इंडियंस और पाकिस्तानी से बातें हुई हैं, उनकी कई एम्बिशंस को जाना है। और एक थॉट प्रोसेस मैंने डेवलप किया है लास्ट 2 ईयर्स के, यार दोनों तरफ से लोग क्या सोचते हैं, एटलीस्ट प्रोफेशनल्स जो अकाउंटिंग एडवाइजरी ऑडिट स्पेस के अंदर हैं, और वो उनका दिमाग क्या चल रहा होता है। एंड देन आई वॉन्टेड टू क्रिएट दिस वीडियो टू शो सर्टेन डिफरेंसेज इन द थॉट प्रोसेस अप्रोच एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स के लिए नहीं है वीडियो, क्योंकि स्टूडेंट्स की अलग ही थॉट प्रोसेस है, मैंने उस पर भी वीडियो बनानी है इन फ्यूचर, बट लेट्स टॉक अबाउट प्रोफेशनल्स इन दिस वीडियो। तो सबसे पहला डिफरेंस जो कि क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट गुड डिफरेंस है, मैं भी इस चीज़ का हिस्सा हूँ क्योंकि मैंने भी इंटरनेशनल मूव किया है फ्रॉम पाकिस्तान टू UK, तो आई अंडरस्टैंड अवर साइड की। मैंने लोगों से बात भी की, तो वही मैं इसके अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। दिस माई एक्सपीरियंस, आई डोंट नो, सबका ये नहीं होगा बेसिकली। देर आर ऑफ कोर्स डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट थॉट प्रोसेस, बट इट जेनेरिक बेस्ड ऑन लाइक 100-200 लोगों से मैंने जो डिस्कस किया है लास्ट 2 ईयर्स, तो इसका थॉट प्रोसेस है ये। तो अप्रोच वाइज, जब एक बंदा मुझे पाकिस्तान से अप्रोच करता है, एक अकाउंटेंट, HR अकाउंटेंट, एक ACCO, एनी प्रोफेशनल, सिंपल सी स्टेटमेंट या सिंपल सा क्वेश्चन या जो भी है, एक वर्क अब्रॉड के हवाले से कि यार मुझे बाहर जाना है, सिंपल एज दैट। मेरा भी यही था, आई एम नॉट सेइंग कि यार तुम करते हो, लेकिन मेरा भी यही था कि जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि यार मैं बाहर जॉब ढूंढूँ, कोई भी कंट्री हो, UK, US, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट इज लेस प्रायोरिटी ऑफ कोर्स, बट मुझे बाहर जॉब करनी है। ये बड़ा सिंपल सा एक थॉट प्रोसेस है, मैंने भी किया है, और उसके अपने रीजन्स हैं। ऑफकोर्स कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी ग्रोथ नहीं है, उसके बहुत सारे रीजन्स हैं, रीजन्स पर भी बात नहीं कर रहे, लेकिन थॉट प्रोसेस ये है। जब मैं एक इंडियन वाले से बात करता हूँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, काफ़ी लोगों से बात हुई है मेरी इंडियन प्रोफेशनल से, वो मुझे पूछते हैं कि यार ठीक है चलो UK में जॉब्स हैं, क्या मुझे मिलेगी, लेकिन उसके साथ एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आता है कि वाई नॉट बैक एट होम, वाई नॉट इंडिया, हम यहाँ पे काम क्यों ना करें, हम क्यों वापस आएँ। लाइक दे लिटरली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या UK में रखा हुआ है जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास का काफ़ी कॉन्ट्रास्ट में है, हमें पता है हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ मनी, तो निकलना चाहते हैं। यहाँ पे लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं बेसिकली जानने के लिए कि वाई नॉट हेयर। मुझे तो काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा कि यार पैसा यहाँ पे बहुत है, फॉर्म्स काफ़ी अच्छा देती हैं इंडिया में, बिफोर फॉर्म्स हैं और फॉर्म्स हैं, दे पे रियली वेल, लॉट ऑफ गुड बोनस, तो वाई मेक अ मूव इन द कंट्री जहाँ पे आपकी फैमिली भी दूर है, जहाँ जो कंट्री दूर है, आपके ट्रेडिशंस, आपके त्यौहार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ लोकल कंट्री में हो सकते हैं और यहाँ पे नहीं है इतना, तो वाई रियली मेक अ मूव। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसकी एक बड़ी सटल डिफरेंस भी है कि यार हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इंडिया में, अपॉर्चुनिटीज़ वो वाली हैं, और दे दैट मेक्स देम थिंक कि यार नहीं, हमारी लोकल मार्केट भी स्ट्रॉन्ग इनफ है कि हम अपना करियर प्रोग्रेस कर सकें। विच इज़ अ वेरी फेयर क्वेश्चन। इवन सेइंग दैट, इसके साथ मैंने वो बंदे भी देखे हैं जो कि बाहर से लाइक UK से वापस इंडिया गए हैं बिफोर देयर 2-3-4 साल जो भी आया जाएगा पीरियड है, 5 साल का, उससे पहले लोग 2-3 साल में, काफ़ी लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो कि गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि 100 में से 50 लोग हैं, बस बेसिकली 100 में से 5 लोग ऐसे हैं, 5 से 10 लोग जो कि वापस गए हैं कि यार मुझे वापस आना है, बिकॉज आई कैन अर्न गुड ओवर देयर एज वेल, एंड आई नो समबडी पर्सनली एज वेल जो कि जा चुका है इस तरह। तो काफ़ी डिफरेंट थॉट प्रोसेस है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तभी लोग ऐसा कर पाते हैं, हमारे पास नहीं है ज़्यादा, तो वो है। दूसरा सटल डिफरेंस में प्रोफेशनल थिंकिंग जो कि यहाँ आ जाते हैं दोनों तरफ से, तो हमारा वाला बंदा तो बड़ा क्लियर होता है यार, सिर्फ हमारा क्या, बहुत सारे लोग क्लियर होते हैं इस बात पे कि यार एक पासपोर्ट उठाना है, ILR लेना है, यहाँ का पासपोर्ट उठाना है, और हम यहाँ पे रह सकते हैं, लाइक नो वी कैन बिल्ड अ करियर, और हम कहीं मूव करना हो कर सकते हैं। कॉन्ट्रेरी टू हेयर, यहाँ पे ऑफकोर्स इंडिया में डिफरेंट है, मे बी आई एम माई नॉलेज आउटडेटेड नाउ, बट एज आई अंडरस्टैंड कि यार आप इंडिया में डॉलर नेशनलिटी आप रख नहीं सकते, तो पीपल रियली हैव दैट गुड थॉट प्रोसेस कि यार आई हैव द ILR ऑफ कोर्स, बट आई डोंट वांट द पासपोर्ट बिकॉज आई हैव सरेंडर दैट कंफर्म नेशनैलिटी। तो काफ़ी थॉट प्रोसेस है, फिर लोग कुछ नहीं भी लेते पासपोर्ट वगैरह, इवन तो दे आर लिविंग हेयर, विच इज़ अ गुड थॉट अगेन। बोथ केसेस लोकल कंट्री प्रिवेल्स कि यार हम
वहाँ का सोच रहे हैं एज अगेंस्ट अस. एंड डोंट माइंड, मैं भी इसी चीज़ का पार्ट हूँ, मैं भी यहाँ से आया हूँ. आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द ILR एज वेल. बट जस्ट द थॉट प्रोसेस कि आप लोग क्या सोचते हैं प्रोफेशनल कंट्रीज़ के अंदर. अच्छा, ये तो हो गई क्या सोचते हैं लोग कंट्रीज़ के अंदर. अब बात करते हैं थोड़ा सा वर्क कल्चर वाइज की, थोड़ा सा पैटर्न वाइज की, या कैसे काम करते हैं. मैंने तो लोगों को देखा है काम करते हुए भी, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं. तो नंबर थर्ड पॉइंट जो कि काम, नंबर फोर थर्ड बोल जो भी बोल दो, अब जो काम के हवाले से क्या है, बहुत पीपल रियली रियली हार्ड वर्किंग फ्रॉम बोथ साइड्स. लाइक मैं अगर देखता हूँ ओवरऑल काम में फोकस, लाइक बहुत पीपल आर रियली रियली गुड इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे डू. कोई भी फील्ड हो, कोई भी काम हो, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, अच्छे से कर लेते हैं, दे आर वेरी कमिटेड. और इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है, रियली रियली हार्ड वर्किंग पीपल. और ऐसा नहीं है बाकी लोग भी नहीं, लेकिन ये वाले भी बहुत सारा हार्ड वर्किंग पीपल हैं. हाउ पीपल टेंड टू से लेट, दोनों घंटे की बात करता हूँ, काम थोड़ा सा लेट करते हैं बेसिकली, दे वर्क लेटर और डिफरेंट है काम जल्दी ख़त्म करने का, बट स्टिल गुड इनफ क्या, काम में कोई इशू नहीं है. थर्ड पॉइंट फॉर समबडी हु वॉन्ट्स टू कम, या सोचते हैं वो उसे पूछते हैं, तो यार वेरी गुड डिफरेंस एंड आई थिंक आई वॉन्ट टू हाईलाइट टू स्पेशली चार्ट अकाउंटेंट्स जो कि इंडिया से करके आए हैं, अपनी क्वालिफिकेशन जो कर रहे हैं और कई मुख देख रहे हैं. हमारे पास जो है पाकिस्तान में दी आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस ऑफ 3 years इज बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस. और इंडिया में काफ़ी लोगों को पूछता हूँ कि यार आप क्या क्या एक्सपीरियंस है, दे डोंट काउंट दैट आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस एज द वर्क एक्सपीरियंस. वो अपने आप को फ्रेशर कहलाते हैं एज आई अंडरस्टैंड, एंड डोंट काउंट दैट रियली वेल. तो जब किसी से बात होती है कि यार जॉब क्या ढूंढ रहे हो, 4 साल का बंदा पाकिस्तान का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है फ्रॉम बिग फोर लेट्स से, वो बोलता है यार मैं तो असिस्टेंट मैनेजर देख रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने काम किया है, मैंने क्लाइंट्स लीड किए हैं माय आर्टिकलशिप जर्नी, आई एम लुकिंग फॉर असिस्टेंट मैनेजर सीनियर एसोसिएट डिपेंड्स ऑन द फॉर्म. और जब मैं इंडियन मदर से बात करता हूँ, उसने भी अगर लेट्स से 4 साल का एक्सपीरियंस किया अपने आर्टिकलशिप का, दे विल बी लाइक एसोसिएट मिल जाए, सीनियर एसोसिएट ठीक है मिल जाए, तो दे डिस्काउंट देमसेल्व्स. I don't know about a reason might be misleading नहीं क्योंकि एक्सेट्रा, या फिर कल्चर जो है locally they don't consider आर्टिकलशिप as a work experience, but here it's considered of course. And तो थोड़ा सा वो अपने को अपने आप को ना वो down, I'm not able to find exact word basically, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा नीचे रखते हैं कि यार ठीक है हो जाए. अपने आप को एक अच्छे रोल में पुश नहीं कर पाते एटलीस्ट एट द स्टार्ट, जो कि नए नए क्वालिफाइड बंदे हैं, दे डोंट रियली पुश अ लॉट फॉर असिस्टेंट मैनेजर रोल्स. मुझे तो काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया है, आई नो व्हाट दिस से कि यार मुझे जॉब चाहिए एसोसिएट लेवल मिल जाए एक्सेट्रा, इट्स फाइन. बट सो आई थिंक दैट्स अ डिफरेंस प्रॉब्ली द वे दे ऑपरेट. बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट यू के और सम अदर कंट्री, दे काउंट यूर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस एज वेल. Hopefully this is helpful for and give some clarity, some differentiation between people. But of course, it's a subjective. Mera apna thought process hai, mera experience, and it can differ across people. I hope you liked it and thanks so much for watching.